ठीक है जी। आज जो टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं दैट इज रीइन्फोर्समेंट लर्निंग और मशीन लर्निंग की ये चौथी टाइप है। पहली जो सुपरवाइजर, सेकेंड अनसुपरवाइज, द थर्ड वन इज सेमी सुपरवाइज। ये चौथी टाइप है जिसको हम रीइन्फोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। रीइन्फोर्समेंट लर्निंग क्या होती है और इसके अंदर कौन कौन से एल्गोरिथम होते हैं, आज हम इसको बड़ी डिटेल में देखने वाले हैं। और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग को देखते देखते इंशाल्लाह हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, कहाँ पे यूज होती है, क्या होता है, इसका कौन कौन से एप्लीकेशन है, सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। बड़ी गौर से सुनिएगा क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर काफी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बंदे मिस कर जाते हैं, लेकिन लेटर ऑन दे डोंट नो कि किस तरीके से उनको डील करना है। सो इट वुड बी ग्रेट अगर आप साथ साथ इसको नोट्स बनाते जाएं या इसको सुनते जाएं। आवाज अगर मेरी बिल्कुल ठीक आ रही है तो मुझे चैट में काइंडली बता दीजिएगा ताकि इसके बारे में हम फिर बात करें। ठीक है जी। आप में से कितने लोगों को पहले पता है कि रीइन्फोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? एनीवन? आपको शायद याद होगा जब हम मशीन लर्निंग के टाइप्स पढ़ रहे थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सुपरवाइज लर्निंग होती है वो उसके अंदर हम चीजों के लेबल्स देते हैं साथ में, मींस के हमारे पास फीचर्स होते हैं फिर हमारे पास लेबल्स होते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग जो होती है उसके अंदर हमारे पास लेबल्स नहीं होते, हम डेटा की आपस में एक दूसरे के साथ जो सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस होते हैं उसके बेस पे हम अंदाजा लगाते हैं कि अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर डेटा पॉइंट्स आपस में कैसे नजर आते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रीइन्फोर्समेंट लर्निंग इसके अंदर हम क्या देखते हैं, लेट्स बिगिन। रीइन्फोर्समेंट लर्निंग टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है जो हमें इनेबल करती है, दैट इनेबल्स एन एजेंट, एजेंट कोई भी चीज हो सकती है, टू लर्न इन एन इंटरक्टिव इन्वायरमेंट, यानी कि इंटरक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। कोई भी एक टास्क हो रहा है उसके अंदर इंटरक्शन इन्वॉल्व हो गया एजेंट के थ्रू, या आप खुद भी खुद को एजेंट कह सकते हैं, या जो भी चीज वहां पे ट्रेन हो रही है उसकी बात हम करें। तो जब वो इन्वायरमेंट के अंदर, आप इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट के अंदर ट्रायल एंड एरर की बेस पे फीडबैक लूप को यूज करते हुए कोई एक्शंस या एक्सपीरियंसेस परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन दैट टाइप ऑफ लर्निंग, यू विल कॉल दिस एल्गोरिथम या इस टेक्निक को हम री इन्फोर्समेंट लर्निंग करते हैं, यानी कि एक चीज को री इन्फोर्स करना। मिसाल के तौर पर आप बच्चों को एक टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद आप बच्चों को बोलते हैं कि हाँ भाई अब बताओ कि आप में से कितने लोगों को ये टेस्ट आता है, ठीक है, क्विज आप लेते हैं, और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं आप क्या करते हैं, उन्हें एक चॉकलेट दे रहे हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो चॉकलेट से क्या होगा, वो बच्चे जो है और भी अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे इन फ्यूचर। अगर आप उन्हीं बच्चों को जिन्होंने काम नहीं किया याद रखें, जो हमारे बचपन में लोग थे वो याद है उस्ताद जी एक छड़ी मारते होते थे टक करके, और कभी कभी उल्टे हाथों पर पड़ती होती थी और एक नहीं पड़ती होती थी। अक्सर गवर्नमेंट स्कूल का हाल ये होता था कि वही छड़ी एक नहीं पड़ती थी, वो 12 12 15 15 पड़ती होती, ठीक है। अगर वो आप वो छड़ी को देखें, या जिसको हम कहते हैं पाकिस्तानियों का डंडा पीर है कि सर पे डंडा ना सवार हो, हम लोग काम नहीं करते, तो वो सजा और जजा का एक चीज आती है। तो जैसे आप जिन लोगों को मारते थे, जिन बच्चों को टीचर्स मारते थे, वो फिर क्या करते थे अक्सर औकात, नेक्स्ट टाइम डर डर के वो कहते थे अब हमने अच्छा काम करना है। लेकिन कुछ ऐसे डीट एल्गोरिथम भी होते थे जो रोजाना मार खाते हुए कहते थे कोई नहीं, इंज करके हाथ मलना है, गल सेट हो जानी है। सो वो ऐसे करके हाथ मल के कहते थे बस ठीक है उतर के। कहता एक मेरा दोस्त होता था, वो कहता था कि यार गर्मियों के मसला नहीं है, मसला आंदा सर्दियां च। कहता मैं क्यों, मैंने कहा, कहता कि यार जब हाथ पे छड़ी पड़ती ना हाथ सुन्न हो जाता है। तो ये सुन करके चीजें सिखाने वाले एल्गोरिथम को हम रीइन्फोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तीन मेजर टाइप्स होती है मशीन लर्निंग की, मैंने पहले भी बताया, सुपरवाइज जिसके अंदर टास्क ड्रिवन, यानी कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम नेक्स्ट वैल्यू बेस्ड ऑन द ओरिजिनल वैल्यूज, ठीक है। और कुछ होती है अनसुपरवाइज लर्निंग, जैसे कि डेटा ड्रिवन, आइडेंटिफाई हम क्लस्टर्स करते हैं कि डेटा खुद ब खुद एक जैसे लोग मिलकर एक क्लस्टर बना लें। द थर्ड वन कम्स रीइन्फोर्समेंट लर्निंग, जो मैंने आपको पहले बताया, दैट लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक्स, दैट लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स क्या होती है, मिस्टेक्स होती हैं गलतियां,
या आपका करंट नॉलेज, उसकी बेस पे कोई अंदाजा लगाना और जो बात में गलत साबित हो और आपके फ्यूचर में इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक मैं मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप में से कितने लोगों को पता है कि रात को अक्सर औकात आपको, मतलब दिन टाइम आपके घर में शायद रूल हो कि मगरिब की अजान से पहले घर वापस आना है। ये मैं वो उन किड्स की बात कर रहा हूँ जो 90 किड्स हैं, ठीक है, 90s वाले। मगरिब की अजान से पहले हम घर होते थे, वरना फिर सारा टब्बर सानू लबन तुरया होता से कितने गवाच गया, तो मस्जिदों में ऐलान हो रहे होते थे। फिर ऐसी री इन्फोर्समेंट लर्निंग होती थी मिस्टेक से, कि हमें मार पड़ती थी, बाद में सीखा जाता था कि अब मगरिब की अजान के बाद घर से बाहर नहीं रहना, अंधेरा हो जाता है, बच्चे उठा के लोग ले जाते हैं, अक्सर ये बातें मशहूर होती थी। सो अगर हम उसी चीज को री इन्फोर्समेंट लर्निंग के जुमरे में लेके आए, सो हम कोई भी एक एक्शन रेंडमली परफॉर्म कराते हैं मशीन से, मशीन कहती है कि ये मेरा आंसर है, आप कहते हैं नहीं गलत जवाब, दोबारा करो, ठीक है। तो बेसिकली हम मशीन से सवाल पूछते हैं और मशीन जवाब देती है, सही और गलत की बेस में हम चूज करते हैं। और एज एन एनवायरमेंटल, मैं इसको ये बोलूंगा कि फीडबैक एक्शन की बेस पे हम उस मशीन को सेट करते हैं। यही सारी की सारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। इसकी एक छोटी मिसाल आपको देता हूं। आपको डेनिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई मेरी वीडियो देख लेते हैं या डेटा साइंस की किसी की वीडियो देख लेते हैं, आप लाइक कर देते हैं, मोस्टली आप में से नहीं करते, आई नो दैट, लेकिन अगर लाइक कर देते तो क्या होता है, आपको डेटा साइंस से रिलेटेड वीडियोस आने लग जाएंगी। रीजन बिहाइंड दैट, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था तो मैं बीच में डेटा साइंस के टैग्स डाल रहा था कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ये सारा कुछ मैं वहां पे डाल रहा था, पाइथन वगैरह के। तो जैसे आप क्लिक करेंगे या लाइक करेंगे या उसको शेयर करेंगे, सेव करेंगे, कुछ भी करेंगे उस वीडियो को, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कहीं पे भी, सो वो आपको उस तरह की वीडियोस आने लग जाएंगी। बेसिकली आपने क्या किया, आपने उस एल्गोरिथम को रीइंफोर्स किया जो आपको रिकमेंड कर रहा था यूट्यूब की वीडियोस। आपने बोला कि ये मैं लाइक करता हूं, आई एम गिविंग अ पॉजिटिव रिवार्ड टू दिस वीडियो, इसकी बेस पे मुझे ऐसी वीडियोस आएंगी। सो दैट इज योर इंटरेक्शन, योर इंटरेक्टिव एनवायरमेंट। अभी दूसरी चीज पे चलते हैं, टीवी आपने चलाया हुआ है। टीवी चलाते वक्त जियो न्यूज, एयरवाई न्यूज, दुनिया न्यूज, कोई भी न्यूज चैनल आप लगाते हैं, आप उस एनवायरमेंट में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, यू आर जस्ट लिसनिंग टू देम, या आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, इज देयर एनी ऑप्शन ऑफ लाइक बटन ओवर देयर, नहीं ना, तो आपका इंटरेक्शन बहुत कम है, आप सिर्फ सुन सकते हैं उसे, इवन दो आप एड भी नहीं स्किप कर सकते टीवी पे बैठे हुए, अगर आप चैनल लाइव वो जो मीडिया चैनल मेनस्ट्रीम मीडिया के थ्रू चल रहे हैं। सो इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट होना जरूरी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए, ठीक है। ऑन बेस्ड ऑन दैट आपका इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट, आप बताते हैं कि ये चीज मैं पसंद करता हूं तो मुझे नेक्स्ट टाइम ये शो करवाओ, अदरवाइज नहीं। इसी तरह आपके पास जनाब फेसबुक पे होता है, जो चीजें आप लाइक करते हैं आपको वही आ रही होती है। अक्सर औकात आपने देखा होगा गूगल के ऊपर जो आप चीज सर्च कर रहे होते हैं वो फेसबुक की एड में आ रही होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए, आप बोल रहे हैं घर में, मोबाइल आपका पास पड़ा है, तुसी घर वाले ना गल्लां कर रहे हो कि असी फलां मशीन लेके आनी है, मैं एक्सरसाइज की मशीन लेके आनी है, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। हाउ इज इट पॉसिबल कि उसी एक डेढ़ दिन के अंदर अंदर आपको एक्सरसाइज की मशीनों की एड्स आने लग जाती है? दैट इज ऑल्सो री इन्फोर्समेंट लर्निंग बाय वॉइस। आप जो परमिशन दे देते ना, ओके ओके करा के, नेक्स्ट नेक्स्ट करा के ऐप इंस्टॉल करते वक्त, वो सारे का सारा डेटा आपका यूज हो रहा होता है। दैट इज री इन्फोर्समेंट लर्निंग, दैट इज इंटरेक्टिव एनवायरमेंट, दैट मेक्स यू शो मोर थिंग्स अबाउट द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल में जाके माइक्रोफोन की जो एक्सेस होती है ना उसे बंद कर दें। मेरी बात सुने, जितनी मर्जी बंद कर लो माइक्रोफोन फिर चलता रहता है। नहीं यकीन तो मार्क ज़करबर्ग ने एक दफा तस्वीर के वीडियो अपलोड की थी, पीछे उसने अपने माइक के ऊपर ना टेप लगाई हुई थी। सो अगर वो बंदा टेप लगा रहा है, वो एल्गोरिथम नहीं बना सकता। जस्ट इमेजिन द पॉसिबिलिटीज व्हाट कैन गो रॉन्ग इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली सी कि आपके पास कौन कौन सी चीजें जो हैं वो परफॉर्म करने में चल रही हैं, एंड दिस इज हाउ यू सी कि हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है वो कैसे काम करती है। अब आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनको रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पता तो है, बट दे डोंट नो कि कौन कौन से इसके टास्क होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। वी आर गोइंग टू लर्न दैट इंशाल्लाह। अगर हम बोथ सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग को कंपेयर करें, तो जहां पे मैपिंग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि एक रो के अंदर इनपुट भी और उसी रो की आउटपुट भी हो, इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर डेटा इन सुपरवाइज्ड लर्निंग। लेकिन जैसे हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करेंगे,
वहां पे फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा टू द एजेंट, ठीक है, अगर उसका एक्शन करेक्ट था या नहीं उसकी बेस पे। इसकी एक मिसाल मैं आपको और देता हूं, ऑटोनॉमस ड्राइविंग। जब ऑटोनॉमस ड्राइविंग कार्स को ट्रेन किया जाता है ना, तो उसको बताया जाता है ये ट्रैक है, उसके ऊपर कार्स दौड़ाई जाती हैं। ये मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, 3D एनिमेटेड एल्गोरिथम ट्रेन हो रहा होता है कि जहां पे आपको इतने डिग्री का रोड आया तो आपने इतने एंगल और इतनी स्पीड से ऐसे मूव करना है। थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो तो वो जंप करके पलट के ऊपर उधर चली जाती है, ठीक है, मतलब उल्टी उल्टबाजियां जैसे हम बोलते हैं वो खा जाती है गाड़ी जो है। फिर उसको दोबारा से ट्रेन करते हैं कि स्पीड कम रखो, सो वो री इन्फोर्समेंट होती है कि यहाँ पे तुमने ये खराबी की, इसको सेट करो, फिर वो तुम मोड़ काट सकते हो। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, बचपन में हमारा एक दोस्त था, खैर मैं बड़ा देसी से मोहल्ले का हूँ, सीधी सी बात है, बड़ा मिडिल क्लास फैमिली और बल्कि लोअर मिडिल क्लास में बोलूँगा, तो वो बंदा था उसको ना साइकिल चलाने आ गई कहीं, उसका नाम बड़ा आला था, बेबे करके उसे बोलते थे, तो मतलब छोटा सा बच्चा था लेकिन बेबे लगता था, बेबे पता है ना बड़ी अम्मा को बोलते हैं। तो उससे किसी ने पूछा, हाँ भाई साइकिल चलाने आ गई तुम्हें, उसने ये नहीं कहा मुझे चलाने आ गई, कहता अब तो मैं मोड़ भी काट लेता हूं। तो ये मिसाल अगर यहां पे हम फिट करें तो एक गाड़ी चलाना या एल्गोरिथम ट्रेन करना मुश्किल नहीं है बेस्ड ऑन सुपरवाइज लर्निंग, वो जो मोड़ें आती हैं ना उसी हिसाब से चीजों को परफॉर्म करना वो मुश्किल है। वो मोड़ भी काट लेता हूं या वो एक्शन को परफॉर्म अच्छे तरीके से कर लेता हूं, दैट मैटर्स, क्योंकि साइकिल सीधी तो हर कोई नहीं ना चलाता, आपको कहीं पे मोड़ काटनी पड़ती है, कहीं ट्रैफिक से गुजारना पड़ता है, सो वी हैव टू ट्रेन दैट मोड। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट होती है। मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल देता हूं, अब अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, YouTube पे वीडियो देखते वक्त आपके पास एक बटन आता लाइक का, एक आता डिसलाइक का। Netflix पे अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, एक लाइक का आता है और एक डिसलाइक का होता है, लेकिन वो डिसलाइक नहीं होता, उसका लिटरली उन्होंने लिखा होता है कि डोंट शो मी मूवीज लाइक दिस। अगर आप वो थम्स डाउन को देखें ना, तो इसका मतलब यह है कि मुझे इस तरह की मूवीज ना दिखाई दें। एक और मिसाल, स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई के ऊपर क्या होता है, आप अगर किसी चीज को लाइक कर देते हैं, ऐड टू प्लेलिस्ट करते हैं, वो वैसे आपको रिकमेंडेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट एप्स हैं, क्या करें भाई, सारी की सारी एप्स गानों और वीडियोज और यूट्यूब और मीडिया और इस तरह की चीजों से बनी हुई है सारी बात है, और इन पे अगर आप कवाली सुनना चाहें, आप नाते सुनना चाहें, आप हम सुनना चाहें, तिलावत सुनना चाहें, दे आर ऑल्सो देयर। सो कभी भी जब YouTube और इस तरह की चीजों की बातें होती हैं, तो डोंट कंसीडर कि ये फिल्मों का ही दौर है। Netflix पे ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं जो आम जुबान में आपको कहीं पर नजर नहीं आ सकती YouTube वगैरह पे, ठीक है। क्या होता है कि आपके पास कई ऑप्शन है, लाइक की, डिसलाइक की, हाइड की, डोंट शो मी मोर लाइक दिस आपके पास आती है, या आप किसी को 5 स्टार देते हैं, किसी को 4 स्टार देते हैं, देयर आर मेनी एल्गोरिथम्स आउट देयर। वो क्या करते हैं, उसकी बेस पे, आपके एक्शंस की बेस पे आपको प्रिसाइजली रिकमेंडेशन देते हैं। आप खुद सोचें, अगर किसी ने Spotify यूज किया है, वो मुझे बताए कि आप एक आर्टिस्ट ऐड करते हैं जिसका नाम है, फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह कर लिया, ठीक है, तो क्या होता है, सेम उसी जॉनरा के गाने सारे आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप नुसरत फतेह अली खान की क्वाली करते हैं, सेम उसी जॉनरा की क्वाली आना स्टार्ट हो जाती है। How is it possible? How is it working? ये सारे का सारा interactive algorithm है। ये सारे का सारा आप बता रहे हैं algorithm को कि ये करो। ये सारे का सारा machine learning based है। Basically supervised उसके पास काम हुआ है, unsupervised भी हुआ है, but at the end reinforcement learning है। मिसाल देने लगा मैं आपको, सुनिएगा। आपने YouTube पे Codenix का चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर कर दिया। I'm just saying, करना है तो कर भी दीजिएगा। करते वक्त जैसे आपने ये टास्क परफॉर्म किया, यू आर डूइंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग, राइट, सुनिएगा जरा, हुआ क्या, उसी क्लस्टर के अंदर सेम उसी तरह की वीडियोस जितनी भी होंगी वो अनसुपरवाइज लर्निंग की बेस पे क्लस्टर्ड हुई होती हैं। यानी कि डेटा साइंस एक मेजर क्लस्टर है, जिसने दुनिया में डेटा साइंस का हैशटैग यूज किया, वो सारी की सारी वीडियोज उस क्लस्टर में चलेंगी। समझ रहे हैं बात। अब उस क्लस्टर से आपने रीइंफोर्स किया कि मुझे ये वाला क्लस्टर दिखाओ, समझ आई बात की। सो दैट्स हाउ यू आर एक्चुअली इंटरैक्टिंग विद रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूजिंग अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम। अब चलते हैं सुपरवाइज पे। अब सुपरवाइज में क्या होगा, स्पेसिफिकली अगर आप Codenix की वीडियो ही देखते जाएं या उसी यूट्यूब चैनल की आपको आती जाए, इसका मतलब ये है कि आपने
सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, यानी कि कोडेनिक्स यूट्यूब चैनल इज अ मेन लेबल फॉर दोज वीडियोस। तो वो सिर्फ उसके अगर आएंगे तो वो सिर्फ इस चैनल के अंदर सारी चीजें होंगी जब आप सब्सक्राइब करते हैं। ऑब्वियसली सब्सक्राइब जो है वो सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड में आपके पास क्या होगा अगर आप किसी चीज को लाइक और शेयर करते हैं। सो दिस इज आवर रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्क। अब बात करते हैं कि हमारे पास एक्शन एंड रिवॉर्ड एंड फीडबैक लूप क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, एक्शन एंड रिवॉर्ड ये ना सिर्फ रिकमेंडेशन सिस्टम्स में चलते हैं बल्कि ये गेमिंग में भी चलते हैं। आपको याद होगा अगर तुम काले चिट्टे वाली स्ट्रीट फाइटर खेली है, पदूकिन वाली गेम्स खेली हैं, अगर आपने टेकन 3 खेली है या टेकन टैग खेली हुई है, आजकल खैर पाकिस्तान इसमें दुनिया में छाया हुआ है टेकन गेम्स के अंदर, अगर आपने वो खेली है तो आपको पता है कि अगर आपको ज्यादा पढ़ती रहे तो वो एक पट्टी खत्म हो जाती है जिसको हम लाइफ बोलते हैं, बर्गर बच्चों से लाइफ बोलते हैं, ऐसी कहीं तक पट्टी खत्म हो जाती है। ठीक है, वही एक जोक मेरे माइंड में आ गया, कल कहीं ना सबस चाय की या रूह अफजा का दूध सोडा बना हुआ था तो किसी ने अपलोड किया, कहता ये हमारे लिए दूध सोडा है, बर्गर बच्चों के लिए बारबी जूस है। सो इसी तरीके से यहाँ पे जो चीज वो पट्टी जब खत्म हो जाती है आपके टिकन टैग के अंदर, यू आर एक्चुअली हैविंग ऑल द नेगेटिव रिवॉर्ड्स, उसके बाद आपका एक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, अक्सर औकात गेम्स के अंदर होता है तीन चार मुक्के पड़े तारे नजर आने लग जाते हैं, आते हैं ना तारे नजर गेम्स के अंदर, तो वो तारे कैसे नजर आते हैं, वो असल में आपको फीडबैक लूप बता रहा है कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक्शन थोड़ा सा रोको ये गलत है, वो फिर नहीं मानता, फिर कहता है नेगेटिव नेगेटिव, वो नेगेटिव फीडबैक लूप जा रहा है। जैसे आप किसी को मार रहे होते हैं आपको रिवॉर्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। यार आप पबजी देख लो, पबजी के अंदर नहीं होता इतने कॉइन्स मिल गए, इतना असला इकट्ठा कर लिया, तो वो क्या है, वो रिवॉर्ड्स है। ये सारे का सारा इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट में चल रहा है और ये नी इन्फोर्समेंट लर्निंग की बेस पे चल रहा होता है। गेम्स आपकी सारे वही एल्गोरिथम यूज करती है विच इज मोस्टली रिलेटेड टू री इन्फोर्समेंट लर्निंग, और इसी वजह से इसको मशीन लर्निंग को ज्यादातर डेटा साइंटिस्ट पढ़ते नहीं है, बिकॉज दे नो कि रिकमेंडेशन सिस्टम तब बनेगा जब एक बहुत बड़ा एल्गोरिथम आपके पास बेसिस में मौजूद होगा, वेन यू डिवेलप समथिंग ऑन द फ्रंट एंड, जब यूजर की इंटरैक्टिव एबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑन द अदर साइड गेम्स के अंदर यूज होता है और लोग जो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं दे नो द पावर ऑफ री इन्फोर्समेंट लर्निंग। सो दिस इज हाउ द फीडबैक लूप वर्क्स। अब बात करते हैं की टर्म्स कौन कौन सी हैं और कहां कहां पे कौन कौन सी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। आपके पास एक होता है आपका एनवायरनमेंट, यानी कि यूट्यूब का मेन पेज, वो है आपका एनवायरनमेंट। ठीक है, आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं उसको बोलते हैं स्टेट, यानी कि स्टार्ट में मेन पेज के ऊपर फौरन से जो चीज आपके सामने आ गई दैट इज योर स्टेट। जैसे आप स्क्रॉल करते हैं, नाउ द स्टेट ऑफ दैट एजेंट जो आप हैं या आपका माउस है, जैसे स्क्रॉल करेंगे उसकी स्टेट क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, आप एक वीडियो देख रहे हैं, आपने स्क्रॉल डाउन किया, आपकी स्टेट चेंज होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने स्टेट चेंज की, हमने तो कोई किसी पे लाइक और शेयर नहीं किया, ना कमेंट किया, इंटरेक्शन ही नहीं किया, तो क्या हमने कोई रिवॉर्ड दिया या नहीं? बिल्कुल, आपने फिर भी एक रिवॉर्ड दिया विच इज कॉल्ड न्यूट्रल, कि आपको आई है, आपने कोई इंटरेक्शन नहीं किया। अक्सर औकात इस चीज को हम इंप्रेशन बोलते हैं कि एक चीज आपके सामने कितनी दफा आई है और आपने क्लिक किया या नहीं किया, जिसको हम क्लिक थ्रू रेट भी बोलते हैं ना, अगर आपको याद हो कि वेबसाइट्स के ऊपर के इस चीज पे क्लिक कितनी दफा हुआ है। ठीक है, सो इस तरीके से जब हम रिवॉर्ड दे रहे हैं, नेगेटिव तब होंगे जब डाउन या आप उसको बकायदा बोलेंगे, न्यूट्रल तब जब वो ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको नेगेटिव में भी ले सकते हैं अगर आपका एल्गोरिथम ऐसे ट्रेन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूट्यूब, आप एक तरीका अपनाइएगा, मैंने ये तरीका अपनाया था कि मैंने बिल्कुल ही ना ऐसी नीच ढूंढी जो यूट्यूब में अभी तक नहीं है, विच वॉज डेटा साइंस इन पंजाबी। कोई एक आधा बंदा था सिख, वो पढ़ा रहा था, तो बकायदा जब मैंने उसको देखा, यूट्यूब ने मेरे से पूछा कि ये वीडियो किस कैटेगरी में आती है, ऑन द पेज, डायरेक्टली ऑन द पेज रिकमेंडेशन के लिए। सो इसका मतलब ये ऐसी नीच है जिसपे काम ही कोई नहीं कर रहा। सो व्हाट यू डू, यू एक्चुअली गिव यूट्यूब रिकमेंडेशन कि इसको कितना रिवॉर्ड देना है। तो कभी कभी एल्गोरिथम आपसे भी पूछते हैं कि साढ़े वास्ते मुश्किल है, आप बता दो कि किस कैटेगरी में डालें। सो यू कैन एक्चुअली से दैट।
अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव रिवॉर्ड्स आपके सामने आ गए, आप हर स्टेप पे एक एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं और आपका एजेंट जो है वो इसको रिवॉर्ड देता है। अच्छा, रिवॉर्ड की बेस पे एजेंट सीखता है, एनवायरनमेंट के अंदर आपने एक्शन किया, यहाँ पे आपने पॉजिटिव या नेगेटिव दिया, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वीडियोस आपकी एक्शन में एनवायरनमेंट के अंदर वो वाली आएंगी जिसमें आपने पॉजिटिव या नेगेटिव रिवॉर्ड दिया है। सो दिस इज हाउ द फीडबैक लूप वर्क्स। एनवायरनमेंट यू गो अप, चेक कैसा लग रहा है, एजेंट को बताते हैं कि नहीं भाई ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, चलो भाई वापस एक्शन। सो दिस इज हाउ द होल रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम स्ट्रक्चर्ड। लेट्स सी वन बाय वन, एजेंट क्या होता है, द लर्नर और द डिसीजन मेकर, वो हमारे जुमरे में कौन सा है, आपका एल्गोरिथम, यूट्यूब का एल्गोरिथम विच इज शोइंग यू द वीडियोस ऑन योर होम पेज। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है, द वर्ल्ड थ्रू विच द एजेंट मूव्स एंड वेयर इट रिसीव्स फीडबैक, वो वाला वेब पेज जिसके ऊपर आप यूट्यूब खोल के बैठे। स्टेट क्या है, अ कॉन्फिगरेशन ऑफ द एजेंट एंड द एनवायरनमेंट दैट कैप्चर्स ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिस जगह पे आप हैं, जो आपका माउस कर रहा है, आपको पता है कंप्यूटर के अंदर ना चाहते हुए भी आप बिलियंस ट्रिलियंस बाइट्स में डेटा दे रहे होते हैं ऑनलाइन डेली बेसिस पे, अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन का अंदाज लगे, कैसे आपका माउस जहां जा रहा है जो क्लिक कर रहे हैं वो सारा डेटा है, आपका माउस राइट क्लिक करके सेव कर रहे हैं वो भी डेटा है, ईमेल बना रहे हैं वो भी डेटा, अ लॉट ऑफ डेटा। सो एक्शन क्या है, व्हाट एन एजेंट डज और द चॉइस एन एजेंट मेक्स लेटर ऑन। ठीक है, रिवॉर्ड वही जो मैंने आपको बताया, पॉलिसी, पॉलिसी डिफाइंस द एजेंट्स बिहेवियर, इट्स अ मैप फ्रॉम स्टेट टू एक्शन, इट कैन बी डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक, वी विल सी दैट कि पॉलिसी किस तरीके से काम करती है, पॉलिसी क्या होती है और किस तरीके से ये हम इसको एक्शन के अंदर लेके जाते हैं और एनवायरमेंट को चेंज करते हैं। बेसिकली जब आप रिवॉर्ड देते हैं ना, उसके बाद एजेंट का बिहेवियर डिपेंड करता है, क्या ये सीख रहा है या नहीं सीख रहा, उसको पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव वैल्यू फंक्शंस, दे प्रेडिक्ट फ्यूचर रिवॉर्ड्स, मतलब क्या कि एनवायरमेंट को चेंज करते हुए यहीं पे वैल्यू फंक्शन आता है, वो कहता है हाँ भाई अब मैंने उसको सही दिया, अब देखना ये लाइक ज्यादा करता। समझ आई बात कि मुझे इसने डेटा साइंस की एक वीडियो को लाइक किया, एजेंट ने चेंज करके सारी की सारी डेटा साइंस की वीडियोस को दिखाई, एंड नाउ एजेंट इज प्रेडिक्टिंग विद द वैल्यू फंक्शंस के अब ये ज्यादा वीडियोस को देखेगा अपने पेज के ऊपर। दिस इज हाउ यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क्स, दिस इज हाउ नेटफ्लिक्स वर्क्स, दिस इज हाउ योर स्पॉटिफाई और फेसबुक और जितनी भी आपके पास एप्स आ रही हैं आजकल वैसे काम करती हैं। इवन दो ट्विटर के ट्वीट्स भी, अगर आप एक चीज को लाइक कर देते हैं, सेव करते हैं, बुकमार्क करते हैं, आपको वैसी चीजें आने लग जाएंगी। मैं पिछले एक साल से एक तजर्बा कर रहा हूँ, ट्विटर के ऊपर डेटा साइंस रिलेटेड कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। आप यकीन माने मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आउट ऑफ द वे जाके कोई बड़ी न्यूज आने लग जाए या इधर उधर की चीजें आने लग जाए, डेटा साइंस से रिलेटेड ही चीजें रहती हैं। हाँ, अनटिल अनलेस मैं खुद से जाके हैशटैग्स वगैरह सर्च ना करूँ तब तक। लाइक रिसेंटली जैसे फ्रांस के अंदर मसले मसाइल हुए, तो उसकी न्यूज देखने के लिए मैं ट्विटर का यूज किया था। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली ट्रेन योर एल्गोरिथम। समझ आ गई जी, ये सात की टर्म्स हैं जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर यूटिलाइज की जाती हैं, एंड दीज सेवन की टर्म्स आर रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर लुकिंग इनटू रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एजेंट की बात करते हैं, अब मिसाल के साथ आपको समझाता हूँ। रोबोटिक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट फील्ड जिसके अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज होती है। मिसाल देता हूँ, आप एक रोबोट को ट्रेन करके बैठे हैं और रोबोट आपका सो गया, तो आप उसको जगाएंगे नहीं या कहेंगे चल नींद पूरी कर ले, था क्या है, ऐसा तो नहीं ना होता, क्या ख्याल है? मैंने जानबूझ के रोबोट की एग्जांपल दी, जो सोए हुए थे वो जाग गए। सो रोबोट इटसेल्फ विच इज कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस, के सज्जे जाना है, खब्बे जाना है, पीछे जाना है, अगे जाना है, टपना है, उर्दू में बात करता हूँ, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सीधे जाना है, ऊपर जाना है या क्रॉस लिंक होना है। इसी के ऊपर नेटफ्लिक्स की जबरदस्त एक डॉक्यूमेंट्री है, एक डेढ़ घंटे की, अगर आपने देखनी हो तो उसे जरूर देखिएगा, AI इन मिलिट्री एक्शन करके कुछ उसका नाम है, मैं उसका नाम आपको सेंड कर दूंगा, AI के ऊपर है, और उन्होंने इन्हीं एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए डॉग्स बनाए हैं, रोबोटिक डॉग्स, जिनके साथ वो जो क्या उसे बोलते हैं, सर्वेलेंस कर सकते हैं, जिनके साथ आप बहुत सारे काम जो है सर अंजाम दे सकते हैं। रोबोट्स ऐसे बनाए हैं
कि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किसी बिल्डिंग में हो रही है, आप सिर्फ रोबोट छोड़े, रोबोट अंदर तक जाके ऑटोमेटिकली खुद ही गलियां तलाश करेगा, खुद ही कमरे तलाश करेगा, वहां पे जाके आपको पूरा व्यू देगा. सो दिस इज हाउ द रोबोट्स वर्क. सो अगर आप किसी रोबोट को ट्रेन करते हैं, वो एक एजेंट है, ठीक है, एजेंट दैट वर्क्स ऑन द दैट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड लर्निंग फ्रॉम दोज डिसीजंस. नेक्स्ट आता है एनवायरमेंट, द मेज इन विच द रोबोट इज नेविगेटिंग. रोबोट बनाया आपने, गलियों में छोड़ दिया कि जा दही ला के आ 5 किलो, ठीक है. अब वो रोबोट क्या कर रहा है, वो गलियों में दही वाली दुकान ढूंढता फिर रहा है. द एनवायरमेंट इंक्लूड्स द वॉल्स ऑफ द मेज, पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स एंड द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट. वो घर का बाहर जाते हुए वो रास्ता भी वो याद रखेगा, वापस कब आना है, कहाँ से आना है, कैसे आना है, वो सारी मेज के अंदर उसे याद होगा. और वो रोबोट सुबह को सारी टाइम दही लेने जा रहा है, ठीक है. उसको आपने दुकान ने बताई, वो यही देखेगा, सारी बात है सुबह दूध दही वाली दुकानें खुली होती हैं, ठीक है. ये तो नहीं होगा गेमा तो चल जाए रोबोट, ऐसा तो नहीं ना होता. सो यू नो के रोबोट जो है उसको पता है कि यार दुकानें वही खुली होंगी, या दर्जियों की खुली होंगी अगर आखिरी अशरा चल रहा है रमजान का, या तो फिर वो दूध दही वाली खुली होगी. सो नाउ वी आर एक्चुअली, वो कहते ना चाबी देकर रोबोट छाड़ देता है, हमने चाबी देकर रोबोट छोड़ दिया. रोबोट को कहाँ पे छोड़ा, अपने मोहल्ले में, अपनी गलियों में, या अपनी कॉलोनी जो भी आपके, अगर थोड़े से बढ़ गए हैं सोसाइटी के अंदर. सो इट्स अप टू यू. एजेंट को हमने एनवायरमेंट के अंदर छोड़ दिया. नाउ द करंट स्टेट और पोजीशन ऑफ द रोबोट इन द मेज विच कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्स कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई कोऑर्डिनेट. अगर आप, मैं यहां पे आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप एक रोबोट को इस तरीके से छोड़ रहे हैं, ये आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे. मतलब रोबोट अगर यहां पे है तो एक्स की ये वाली पोजीशन होगी, वाई की ये वाली होगी, राइट. तो हर जगह पे रोबोट के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल नहीं जाएंगे यार, इंसान के भी तो कोऑर्डिनेट्स हैं ना. आजकल आप जहां पे घूम रहे होते हैं आपको पता है आपके भी कोऑर्डिनेट्स हैं, आपका मोबाइल जीपीएस लोकेशन, आपका ये जो हमारे पास इस ग्रुप में हुवावे वाले हैं, इनसे पूछे ना जरा किस तरीके से कोऑर्डिनेट आपके पता चलते हैं. तो फौरन आपकी सारी की सारी डिटेल, बाय द वे आपकी IMEI नंबर जो होता है मोबाइल का, उसके थ्रू रजिस्टर्ड शुदा बहुत ज्यादा लोगों के पास होती है, जिससे बहुत बड़े बड़े एनालिसिस हो रहे थे. सो दिस इज वन थिंग. अब आप खुद अंदाजा लगाएं द करंट स्टेट, यानी कि जिस किसी स्टेट में भी रोबोट होगा वो हमारे पास उसकी स्टेट होगी. मतलब रोबोट यहां से चला, ये आपका घर है, ये दही वाली दुकान है, और ये यहां से ऊपर से लॉन्ग चक्कर लगा के वापस आएगा. क्यों? वो कहता है इस गली च नेरा है, मैं नहीं जाना इधर से. जैसे बच्चे सुबह सुबह करते हैं ना, तो आप यहां से रोबोट किया, जहां जहां पे मूव कर रहा है वो उसकी स्टेट है. अगर इस वक्त यहां पे है तो यहां स्टेट है, ये स्टेट है ये. सो दिस इज हाउ द स्टेट वर्क्स इन रेइंफोर्समेंट लर्निंग. ये मैं बात कर रहा हूँ रोबोट की. अगर आपका एक वेब पेज है तो जो आप स्क्रोलिंग कर रहे हैं उसके ऊपर रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर, वो आपकी एजेंट की वो स्टेट है, ठीक है. सो स्टेट इज समथिंग वेयर द पोजिशन ऑफ अ रोबोट और पोजिशन ऑफ समथिंग रिलेटेड टू दैट एजेंट. ओके जी, अब बात करते हैं आगे. मैं यहां पे एक्शन की बात करते हैं. एक्शन थ्रू, एक्शन क्या होता है? किसी चीज का होना या करार पाना. याद है ना टेंसेस जब पढ़े थे. एक्शन का मतलब ये नहीं है कि तुझे जैकी चैन बना देना रोबोट को, ब्रूसली बना हुआ रोबोट है, कराटे खेल रहा है, ये वो वाला एक्शन नहीं है. दिस एक्शन इज द मूव्स द रोबोट कैन मेक. आगे जाएगा, पीछे जाएगा, दाएं बाएं जाएगा, बाएं जाएगा. गेम नहीं याद यार आपको? गेम का या तो आगे जाता होता बंदा, या पीछे, या बाएं या दाएं. तो अक्सर औकात पुरानी गेम्स के अंदर सिर्फ आगे पीछे दाएं बाएं होता था. अब वो प्रिसीजन इतनी है कि जितना आप माउस को मूव करें, जितना मोबाइल के ऊपर आप स्क्रोल करें, वो एक एक पॉइंट को मूव कर रहा होता है. इवन दो डायरेक्शंस मिलियंस में भी आ चुकी है, अगर आप गौर करें ना, उनकी एक एक पिक्सल के ऊपर मूव करने की सलाहियत वो भी है. और अक्सर औकात जिनके पास, जिनको गेमिंग का शौक है, दे नो कि गेमिंग माउस जो है वो बकायदा DPI उनकी इतनी हाई रेजोल्यूशन होती है कि वो एक एक पिक्सल पे मूव करते हैं स्लो मोशन. खासतौर पे जब आपने हेडशॉट लेना होता है गेमिंग के अंदर, कॉल ऑफ ड्यूटी होगी, PUBG होगी, बड़ी गेम्स की बात कर रहा हूँ. सो हाउ इज इट वर्किंग? दीज आर एक्शंस. ये हैं वो एक्शंस जो रोबोट ले सकते हैं. मैंने आपको पिछली स्लाइड में एग्जाम्पल नहीं बताया कि रोबोट दही लेने चला गया. अब दही लेके वो वापस नहीं आ पा रहा उसी रास्ते से. क्यों? हमने रिपोर्ट का बैक आना बंद किया हुआ है. समझ रहे बात को? उसका एक्शन क्या है? वो फॉरवर्ड जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा. दैट्स इट, थ्री एक्शंस. सो एक्शन इज समथिंग द
the capability of that robot to moving in four direction or one direction or two direction. It's you who will decide. So actions ki baat yaad aa gayi ab, theek hai. Acha, ye to ho gaya actions. YouTube pe actions kis kisam ke hote hain? Web page ke upar recommendation system. Upar niche. Agar aap zoom kar lenge to daaye baaye bhi. Kya khayal hai? Scroll up karte hain ya scroll down karte hain? Aise hi hai na. So ye navigation aapko aapne apne recommendation system mein rakhni hoti hai. Netflix ke upar agar aap jaye to kya hota hai? आप होम बटन दबाते हैं, होम पे जाते हैं उसके, और आपको पता है कि आप ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, दाएं भी जाते हैं फिर बाएं भी जाते हैं, अक्सर जो लिस्ट आ रही होती है. सो दिस इज हाउ योर एक्शन वर्क्स. अगली चीज है रिवॉर्ड. ये वही चीज रिवॉर्ड, पॉजिटिव या नेगेटिव के अंदर आप रिवॉर्ड देते हैं. अगर आपका एल्गोरिथम बहुत बड़ा है तो आपके पास पॉइंट्स भी होंगे, लाइक के कम पॉइंट होंगे, हार्ट के ज्यादा पॉइंट है, बुक मार्क जैसे. आपको मैं तीन चीजें बताता हूँ. फेसबुक पे होता है लाइक, हार्ट, हा 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 का रिएक्शन, रोने वाला रिएक्शन, सैड, और ये सारा कुछ. ठीक है, इस हर रिएक्शन के क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं. अगर आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में जाने, हार्ट का रिएक्शन है इसका मतलब है बहुत ही मजे की चीज है, यू लाइक इट वेरी मच. लाइक का मतलब है बस ठीक है, अच्छी, गुड. एक था केयर का, याद आया? केयर का रिएक्शन जो नया है, अगर आपने देखा है तो काफी पुराना, लेकिन काफी लोगों को नहीं पता केयर का रिएक्शन क्या है. केयर का रिएक्शन ये है, एक तो हार्ट तो है उसके साथ ही, साथ में एक हग भी है उसके अंदर. सो द रिवॉर्ड पॉइंट्स गो हायर. अगर उसके अंदर हा 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 करें, इसका मतलब उन्होंने कुछ पीछे एल्गोरिथम के रखा होगा कि दिस गाय थिंक्स दिस इज फनी, या इट्स मेकिंग काइंड ऑफ, इट्स बीइंग, द गाय इज बीइंग, और द एजेंट इज बीइंग सार्केस्टिक. ठीक है, तो वो कई मतलब हो सकते हैं. अब चलते हैं हम पॉइंट्स की तरफ. अगर हार्ट के 100 पॉइंट है, लाइक के 50 हो गए, ठीक है, हा 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 के 10-15 होंगे, समथिंग लाइक दैट. सो बेस्ड ऑन दोज इंटरेक्शन या रिवॉर्ड्स, यू आर एक्चुअली टेलिंग फेसबुक के मुझे क्या शो करवाना है. ठीक है, इसी तरह यूट्यूब पे डिसलाइक और लाइक, ट्विटर पे चले जाएं, वहां पे बुकमार्क का ऑप्शन है, लाइक का ऑप्शन है, शेयर का, जिसे हम रीट्वीट ट्वीट कहते हैं, वो ऑप्शन. आप ट्राई कीजिएगा 5 से 10 सेम जनरा की चीजें बुकमार्क कीजिएगा, आपको सारे ट्विटर में वही शो होने शुरू हो जाने मोस्ट ऑफ द टाइम. और ये भी नहीं होता कि अगर मैंने लाइक कर दिया है तो मुझे तकरीबन 100% यही सारी चीजें दिखानी है, नहीं. दे एक्चुअली सेव 20-30% फॉर रैंडम थिंग्स विच माइट बी न्यू, जो मैंने आज से कुछ 10 दिन पहले सर्च की होगी. सो दिस इज हाउ दीज एल्गोरिथम्स वर्क. अब चलते हैं पॉलिसी के ऊपर. पॉलिसी की अगर आप डेफिनेशन गौर से पढ़ें, पॉलिसी क्या चीज है? ये स्ट्रेटजी है जो रोबोट यूज करता है टू डिसाइड इट्स एक्शंस बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड्स. यानी कि यहां पे आपने रिवॉर्ड दिए, एजेंट क्या करेगा? अब डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द पॉलिसी कि मैंने ये दिखाना है या नहीं दिखाना. ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने न्यूज सर्च की पाकिस्तान के बारे में, आप मुझे खुद बताइएगा, मैंने पाकिस्तान की न्यूज सर्च की है, एजेंट को आएगा कि यार पाकिस्तान की इसने न्यूज सर्च किया, इसको न्यूज दिखाओ, आएगा ना? एजेंट को ख्याल आएगा कि मैंने इसको न्यूज दिखानी. अब मैं एक मिसाल देने लगा हूं, आपको यहीं पे पॉलिसी समझ आ जानी. आपने सर्च किया एयरवाई या जियो न्यूज या जो भी पाकिस्तान की न्यूज चैनल है, मैं इस वजह से दोनों मेन स्ट्रीम के नाम ले लेता हूँ ताकि मुझे कोई पोलिटिकल एफिलिएशन ना दे दें. सो दो न्यूज चैनल आपने खोल के देखे, इज इट पॉसिबल कि एजेंट खुद ही से अंदाजा लगाए कि इसने न्यूज देखी है, इन्होंने महाराष्ट्र का चैनल दिखा दें? नहीं ना होगा, पॉसिबिलिटी बहुत कम है. क्यों? क्योंकि पॉलिसी है इफ समबडी लिविंग इन पाकिस्तान और व्यूइंग समथिंग लाइक एयर वाई न्यूज या जियो न्यूज, उसको महाराष्ट्र का चैनल नहीं दिखाना, उन्होंने चाह के जर्मन न्यूज का चैनल नहीं दिखाना, उसको हमने CNN फोरन नहीं दिखाने लग जाना, क्योंकि उस बंदे का जॉनरा उर्दू में न्यूज सुनने का, तो आपको उर्दू में न्यूज के जितने चैनल हैं वो आने लग जाएंगे. दिस इज कॉल्ड पॉलिसी के पाकिस्तानियों को इंडिया का न्यूज चैनल नहीं दिखाने, US वालों को फ्लां फ्लां कंट्रीज के नहीं दिखाने, जर्मन कंट्री वालों को UK के नहीं दिखाने. दिस इज हाउ पॉलिसी वर्क. सो यू हैव टू डिसाइड योर एक्शन बेस्ड ऑन द पॉलिसी. और फिर वैल्यू फंक्शन है कि इसको अब मैंने दिखा दिया इतने, नेक्स्ट टाइम ये इस वीडियो पे क्लिक करके देखेगा जरूर. ठीक है, सो दिस इज वैल्यू फंक्शन. These are all key terms about reinforcement learning.
अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग का आइडिया, अगर आप एक रिवॉर्ड से स्टार्ट करें, ठीक है, वो रैंडम पॉलिसी से स्टार्ट करेगा एंड देन रैंडमाइज्ड वे में आपके एक्शंस की बेस पे वो चलता रहेगा। आपको क्या लगता है कि जब यूट्यूब बना था, क्या स्टार्ट में लोगों ने इसको लाइक कमेंट शेयर करना स्टार्ट कर दिया था? किसी को पता भी नहीं होगा था। जैसे ऐसा ऐसा आगे आने लगा, लोगों को पता लगने लगा। इसी तरह टिकटॉक काम करता है। अगर आपको नहीं पता टिकटॉक का, तो आजकल जो न्यूज चल रही है पाकिस्तान के अंदर, एक दिन के अंदर इतने मिलियन व्यूज, दैट्स द पावर ऑफ टिकटॉक। क्यों? क्योंकि एफिलिएशन है डिफरेंट चैनल से और अनाउंसमेंट हो रही है, लोगों को पता है कि ये फीडबैक लूप इस तरीके से काम करता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर एल्गोरिथम वर्क्स। एंड टिकटॉक नोज कि अगर आपकी पर्सनैलिटी को बड़ी है किसी एक कंट्री के अंदर, वो एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली आपकी ज्यादा रिकमेंडेशन देना स्टार्ट कर देगा बेस्ड ऑन योर व्यूअरशिप, ठीक है। अदरवाइज इट्स अप टू द एल्गोरिथम। एप्लीकेशंस की बात करते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहां कहां पे यूज होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए सबसे बड़ी एग्जांपल इस वक्त गूगल की गेम प्लेइंग है। गेम्स के ऊपर अगर देखा जाए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैन बी यूज्ड टू टीच एजेंट्स टू प्ले गेम्स ऑफन अटेनिंग सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, गूगल्स डीप माइंड क्रिएटिव अल्फा गो और इस तरह की काफी गेम्स बनाई गई हैं, जिन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट चैंपियंस को डिफीट किया है। यानी कि इन्होंने, डीप माइंड वालों ने अल्फा गो बनाई और अल्फा गो ने ऐसे ऐसे एल्गोरिथम ट्रेन किए हैं कि दुनिया का टॉप नॉच का जो अल्फा गो गेम का, पता है आपको यार, बड़ी एक सबसे मुश्किल गेम गिनी जाती है ये। नहीं पता तो जरूर देखिएगा, सबसे मुश्किल गेम गिनी जाती है और इसके वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया था एल्गोरिथम ने, डीप माइंड की टीम ने बनाया हुआ एल्गोरिथम। सो बिलीव मी, चेस के प्लेयर तो बहुत पीछे रह गए हैं, मतलब एआई बहुत ऊपर है इस वक्त, एआई की बेस पे सारा कुछ हो रहा है। अब जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं, लोग मुझे खासतौर पर ना डेटा साइंस की कम्युनिटी के अंदर लोग ये कहते हैं कि ये डेटा साइंस की बातें करते हैं, इस वजह से सिर्फ डेटा साइंटिस्ट है। भाई एआई की मेजर ब्रांच ही डेटा साइंस, ठीक है। तो अब से हम बात करेंगे एआई की, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स एआई। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। दुनिया का सबसे मेजर पोर्शन इस वक्त एआई में जा रहा है। आप में से मिशन इम्पॉसिबल किस किसने देखी है, जो अभी नहीं आई है? नहीं देखी तो एक दफा देखिएगा, नहीं देखी तो एक दफा देखिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी जंगें जो हैं, भूगोल उनके, सारी बातें फिक्शन है, उसको जाके जरूर देखिएगा। उन्होंने एक एल्गोरिथम ट्रेन किया है, उस एल्गोरिथम की कंट्रोल जो है वो खो बैठे। सो एट द एंड दे आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ सोर्स कोड। आपको तो पता है सोर्स कोड क्या होता है, कि वो उनको ओरिजिनल सोर्स कोड मिलेगा, देन दे कैन कंट्रोल दिस एल्गोरिथम। जस्ट इमेजिन, बाकी सारी चीजें एक साइड पे, जस्ट इमेजिन कि अगर दुनिया की सुपर पावर्स किसी दो तीन बड़े बड़े एल्गोरिथम्स पे काम करके सब कुछ कंट्रोल करने लग जाए, व्हाट विल हैपन? सिंपली, आपके पास गेमिंग तो छोटी सी इंडस्ट्री है, रोबोटिक्स की बात करते हैं, मिलिट्री वेपनाइजेशन में सबसे बड़ा रोल इस वक्त तीन बड़ी नेशंस प्ले कर रही हैं, चाइना, रशिया एंड यूएसए। वो रोबोटिक्स को यूज कर लिए फॉर देयर ऑन डिफेंस सिस्टम्स। इफ यू डोंट नो, अब अगर पिछले दौर में लाखों फौजी जाते थे ना लड़ने, आज के दौर में एक बंदा लाखों रोबोट्स को कंट्रोल कर सकता है यूजिंग एल्गोरिथम। बिल्कुल एक और नाम है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता कंट्री का, ड्यू टू सम रीजंस। सो ड्रोन तो भाई मेरा भी यह घर पे आया, वो अभी चैट में दाऊद भाई कह रहे हैं कि टर्की के भी ड्रोन है, ड्रोन तो मेरे को भी घर पे आया। सो इट्स नॉट अबाउट ड्रोन, इट्स अबाउट पावर। मैं बड़ी नेशंस की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त बड़ी रेस के अंदर है। और ये कैसे चल रहा है, अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली चेक कीजिएगा, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन से लेके लोकोमोशन से लेके फ्लाइट से लेके सारी चीजें इन पे ट्रेन हो रही है। ड्रोन्स, आप सबको पता है ड्रोन्स पाकिस्तान का एक पुराना रिडिकुलस किस्म का नाता है पाकिस्तान के साथ ड्रोन्स का, खासतौर पर अमेरिकन ड्रोन्स का। तो वो कैसे काम करते हैं, वो सिंपली वो बैठे कमांड दे रहे हैं और वो चल रहे हैं, दे डोंट नीड टू डू एनीथिंग। अब आप खुद सोचें कि अगर हम एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरक्की नहीं करेंगे, व्हाट कैन वी अचीव इन फ्यूचर? कुछ भी नहीं। वो लड़ाइयां गई पुरानी के बॉर्डर दे आ जो लड़ी है, ना ना ना, अब बहुत ऊपर की गेम्स चलती हैं। सो नेक्स्ट थिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट। आप सिर्फ ये सोचें जो पाकिस्तान के साथ हाल हुआ है, इकोनॉमी हाथ से गई, श्रीलंका का हाल देख लें, उसकी इकोनॉमी गई हाथ से। जस्ट इमेजिन कि रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर
एआई का कितना बड़ा रोल है और किस बेस पे चल रही होती है रिसोर्स मैनेजमेंट, सारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बेस पे, कहां से कितने रिजर्व्स आए, कहां से कितने गए, कितना स्टॉक का प्राइस रही, कितनी किस चीज की प्राइस है, ऑल दीज वर्क्स ऑन द रीइंफोर्समेंट लर्निंग एज वेल। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या करती है, लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज भी कर सकती है, ऑन द अदर हैंड इट कैन ऑल्सो प्ले अ बिग रोल इन इन कंट्रीज इकोनॉमी। ऑटोनॉमस व्हीकल्स, सारी की सारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग को अगर आप सीखना चाहते हैं ऑटोनॉमस व्हीकल्स की थ्योरी समझ में, उसको कोई चीज नजर आती है उसकी बेस पे वो उसका गधा बना रहता है, घोड़ा बना देता है, कभी कुछ कभी कुछ। एक बड़ी मीम वायरल हुई थी, मैंने आपको पहले भी बताया, चांद गाड़ी आगे जा रही थी या कुछ और जा रहा था आगे, और टेस्ला की गाड़ी ने उसे ट्रक बना दिया। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, उसको किसी ने बताया ही नहीं कि अगर चांद गाड़ी आगे आ जाए तो इसको किस तरीके से चेंज करना है, ठीक है, उनके पास वो मॉडल ही नहीं है, ठीक है, रिक्शा आ गया तो रिक्शे का मॉडल कैसे ऐड करना है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू नो। बाय द वे, एक दो दिनों के अंदर मलेशिया के अंदर टेस्ला की लॉन्चिंग सेरेमनी भी होने वाली है, टेस्ला मलेशिया के अंदर मेरे ख्याल जो एक दो दिनों के अंदर लॉन्च हो रही है। जस्ट इमेजिन के वहां पे जो उनकी ट्रैफिक का निजाम है मलेशिया के अंदर, उसकी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो टेस्ला ने पहले ट्रेन किया होगा एल्गोरिथम बकायदा जाके, और उसकी बेस पे सारा चल रहा होगा। आपने देखा अक्सर औकात गूगल मैप्स की गाड़ियां चल रही होती हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, वो बंदों ने जैकेटें भी पहनी होती है, पाकिस्तान का मुझे पता नहीं लेकिन यहाँ पे बड़ा होता है, बंदों ने जैकेटें पहनी है, वो सिर्फ उनका काम यह है कि यहां से लेके यहां तक चल के जाना है, ऐसे जैकेट पहनी है, बैटरियां लगी है, ऊपर 360 कैमरा लगा हुआ है, चारों तरफ से उसका व्यू आ रहा है। सो दिस इज हाउ दे आर मैपिंग द वर्ल्ड। मैं दे ही बोलूंगा, रीजन साडे नहीं कर रहे, साडे सिर्फ सोसाइटियां कट लो तो इन्वेस्ट कर दो, बहुत पैसा है जी सोसाइटियों में, आमों का बेड़ा गर्क कर दिया, आमों के प्लॉट्स का सोसाइटियां बना बना के, डीएचए थे फलाना, डीएचए थे फलाना, डीएचए। सो जस्ट इमेजिन हमारी प्रेफरेंसेस क्या है और हमारी प्रायोरिटीज क्या है और उनकी क्या है। हम एज ए साइंटिस्ट, ऑब्वियसली आप डेटा साइंटिस्ट हैं, अगर आप पिछले तकरीबन 2 साल से लगे हैं, 2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, यू आर डूइंग योर वर्क इक्वल टू अ काइंड ऑफ पीएचडी पर्सन, अगर आप एक ही नीच में लगे हुए हैं, वो अलग बात है कि आप अपना काम भी करते हैं। सो इफ यू एज ए साइंटिस्ट यू आर थिंकिंग इन अनदर वे, सो जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा फिर। बाय द वे, फाइनेंस के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर सबसे बड़ी चीज इस वक्त री इन्फोर्समेंट लर्निंग सबसे ज्यादा है। आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर क्यों सारा कुछ डिजिटलाइज्ड हुआ पड़ा है? बिकॉज दे आर चेंजिंग द वे एल्गोरिथम वर्क्स। डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड क्यों किया जाता है विद सिम्टम्स? ताकि वो डॉक्टर जो है वो ट्रेंड बनता है। अब जब वो लिखेगा ना इस मरीज को, ये भी सिम्टम है, ये भी सिम्टम है, ये भी सिम्टम है, और मैंने ये दवाई लिख के दी, क्या होगा? एल्गोरिथम ने खुद ब खुद सीख जाना है कि अगर ये सिम्टम्स हों तो ये दवाई काबिले कबूल है। अगर वही दवाई, वही सिम्टम्स 2000 डॉक्टर्स ने लिख के दी, वो एक पॉलिसी के अंदर चला जाना है। अगर वही 10,000 ने एक कंट्री में लिख के दी, वो बड़ी पॉलिसी में चला जाना है। सो दिस इज हाउ दे आर चेंजिंग द हेल्थ केयर सिस्टम बेस्ड ऑन द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और ये एआई की इस वक्त की सबसे बड़ी अचीवमेंट है बेस्ड ऑन डिफरेंट कंट्रीज जहां पे हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम है, ठीक है। पाकिस्तान में भी सेहत कार्ड आया था, पता नहीं बंद हो गया अभी, आई डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन, लेकिन अल्लाह करे कि सारा काम जो है वो डिजिटलाइज हो जाए ताकि डेटा सानू दे जान साडे अर्गे डेटा साइंटिस्ट नू, एंड वी कैन डू समथिंग। वहां पे बस एक ही चीज है, डॉक्टर बैठता है, बड़े से बड़ा डॉक्टर है, उसका भी निजाम डिजिटल नहीं है, ना कोई सेंट्रल सिस्टम है हमारे पास ऐसा कि वहां पे हम उसको ऐड कर सकें। हाँ, बतौर दिखावा हमारे पास काफी चीजें हैं, डेटा वो नहीं ठीक, ठीक है। सो हम लोग दवाइयां देते हैं मरीजों को फार्मा कंपनीज की बेस पे, और वेस्टर्न कंट्रीज में दवाइयां दी जाती हैं मरीजों को उनके मर्ज की बेस पे। यही फर्क है हमें, और इंशाल्लाह ये चेंज तब आएगी जब डिजिटलाइज सिस्टम हो जाएगा, बिकॉज उस वक्त पता चलेगा कि सिस्टम में तो ये 3 रजिस्टर्ड मेडिसिन हैं जो आप दे सकते हैं, बाकी अभी टेस्ट के अंदर हैं। तो हमारी हाई रिकमेंडेशन की बेस पे 80% आप डिस्प्रिन दें, पैरासिटामोल दें 90%, 70% ये दें, इसके अलावा कोई ना रिकमेंड करें अगर ये सिम्टम है। अगर ऐसा डिजिटलाइज सिस्टम आ गया, एट दैट टाइम वी कैन चेंज द वर्ल्ड इंशाल्लाह। खैर, एडवर्टीजमेंट का मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन की बात करते हैं। सबसे बड़ा फील्ड इस वक्त का एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ी चीजें आ गई, कोर्सेरा नाम ही काफी है। इससे ज्यादा बूम मूक्स के अंदर, मैसिव ऑनलाइन जो आपके कोर्सेज होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर ने इसे बनाया था कोर्सेरा को, और एक और को फाउंडर था, दो लोगों ने स्टार्ट किया था यार, एंड्रिया जी डीप लर्निंग का
कमाल बंदा, कोर्सेरा के को फाउंडर है, कमाल बंदे कोर्सेरा के को फाउंडर है, ही डिजर्व्स दैट रिस्पेक्ट। उस बंदे ने जितना डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग और एआई के ऊपर काम किया है पूरी दुनिया में इस वक्त तक, टीचिंग की लाइन के अंदर किसी ने नहीं इतना काम किया। टीचिंग में मैं बात कर रहा हूँ। गूगल को भी बाद में ख्याल आया हमने कोर्सेज लॉन्च करने हैं, अमेजोन को भी बाद में है, बाकियों को भी बाद में, उसने पहले से कर दिया था। अच्छा, एजुकेशन के अंदर जैसे कोर्सेरा लॉन्च हुआ है, यूट्यूब पे फौरन आपने देखा होगा एजुकेशन की बड़ी बड़ी क्लासेस जो हैं, खासतौर पर डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई और बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सारा कुछ अपलोड होना स्टार्ट होगा। इसकी बेस पे एजुकेशन इंडस्ट्री में रीइन्फोर्समेंट लर्निंग कैसे अप्लाई हुई, मैंने आपको पहले मिसाल दी, डेटा साइंस पे आप क्लिक करते हैं आपको सारा वैसा आने लग जाता है। कम अज कम दुनिया सीखने की तरफ रागब हुई है। आप आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले लगा रहे हैं, आपने कभी इंटरनेट को सर्च किया था किसी टर्म को देखने के लिए? 7-8 साल 10 साल पहले लगा लें चले, या आप यंग एज की बात कर लें, गूगल पे तो चलो किया होगा, ऑब्वियसली गूगल पे किया होगा, लेकिन इमेजिन करें आज जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं क्या उस टाइम पे अवेलेबल थे। एज ए बायोलॉजिस्ट मुझे पता है कि जब मैं बैचलर्स में था तब शोमू बायोलॉजी एक इंडियन यूट्यूब चैनल है बड़ा जबरदस्त किस्म का, शोमू नाम से, वो बंदे का माइक ऐसे लगा होता था, बड़े बड़े हेडफोन, और वो अपने घर में व्हाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा होता था। हमसे थोड़ा सा बड़ा होगा वो बंदा। उस चैनल के अलावा बायो का कोई चैनल नहीं होता था। खान अकेडमी बाद में आई एंड देयर आर मेनी चैनल्स आउट देयर नाउ। जस्ट इमेजिन करें आज के दौर में चैट जीपीटी पे आप एजुकेशनल क्वेश्चन भी चुटकियों में देख सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? स्टार्ट में हमने इंटरेक्ट ही इतना किया एजुकेशनल कंटेंट के साथ, अब दुनिया को अकल आ गई है कि एजुकेशन के अंदर बिजनेस भी है और दुनिया का फ्यूचर भी है। सो नाउ दैट इज व्हाई यू कैन सी अ लॉट ऑफ एप्स, यू कैन सी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ कोर्सेज। अगर बाइडू की ऐप आपको नहीं पता, बाइडू नहीं है यार, क्या है यार वो इंडियन ऐप है, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, आप में से किसी को पता है इंडियन ऐप है, वो बड़ी अच्छे लेक्चर्स देते हैं, 3D एनिमेटेड लेक्चर्स हैं। बाइजू करके, हाँ बाइजू, अगर आप वो चेक करें ना तो आपको अंदाजा होगा किस तरीके से ये काम करती है सारी चीजें। और नाउ इट्स अ बिग इंडस्ट्री और वो $1 बिलियन ऐप है। अगर आपको नहीं पता तो इस तरह की एप्स जो हैं बड़ी काम कर रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हम कब सीखेंगे और हम कब करेंगे। गेम प्लेइंग, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वर्क इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कोडिंग आपको आती है, डेटा साइंस आप समझते हैं, आपको निटीज एंड क्रिटीज का पता है, डेटा क्या होता है, कहाँ से आता है, यस नो और बाकी चीजों का पता है। नाउ यू आर ऑन एन एडवांस लेवल देन अदर पीपल जिनको बेसिक्स ही नहीं पता डेटा साइंस की, आप इंटरमीडिएट से अब एडवांस लेवल पे। सो इफ यू वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग और आप गेमिंग इंडस्ट्री में जंप इन करना चाहते हैं, सो नाउ पीपल नीड यू। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम इतने ज्यादा चाहिए उन्हें, ये यू डोंट नो नाउ। आपको गाय नाम एक रिसेंटली एक मूवी आई थी जिसके अंदर एक करेक्टर अपना पॉलिसी भूल जाता है। एक करेक्टर होता है, साइड करेक्टर होते हैं ना गेम में, यार अक्सर औकात अब आप पबजी खेलते होते हैं, GTA Vice City खेल रहे थे, वो अक्सर औकात लड़के घूमते घूमते नहीं जा रहे होते साइडों पे, सेकंड करेक्टर जिसे हम बोलते हैं वो जा रहे होते हैं, वो उस एक मूवी का करेक्टर, गेम का करेक्टर, वो अपना रोल भूल जाता है कि मैंने सेकंड सीधा जाना, वो मशीन लर्निंग के थ्रू खुद सीख रहा होता है, इमोशंस आ रहे होते हैं उसमें गेम के अंदर। So this is what people need. Or gaming industry, बहुत बड़ी industry. If you know how to work with that, go for it. Then robotics. Robotics, जारी बात है, हम सब कुछ online कर रहे हैं, इस वजह से मैं robotics आपको पढ़ा नहीं सकता. Otherwise, अल्लाह ताला ने कभी मौका दिया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो हमारा institute बनने जा रहा है within 1 year or maximum 2 years, उसमें इंशाल्लाह robotics का main हमने procedure वहाँ पे रखना है कि बच्चों को robotics सिखाई जाए और इंटरनेशनल लेवल की इंशाल्लाह रोबोटिक्स सिखाया जाए। सो रोबोटिक्स वर्क्स ऑन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। देन आपके रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, ऑटोनॉमस व्हीकल, एंड देन आपका फाइनेंस के अंदर एप्लीकेशन, बड़ी बड़ी एग्जांपल्स आपके पास मौजूद है, हेल्थ केयर की मैंने आपको बता दी, एडवर्टीजमेंट एंड रिकमेंडेशन। इससे ज्यादा एडवर्टीजमेंट की क्या बात होगी कि आज के दौर में आप जो लिखते हैं या सर्च करते हैं उसकी एड आपको आती है, और यही तो कंपनीज चाहती हैं कि अपनी एड उसे ही जाए जो लेना चाहते हैं, यानी कि प्रिसीजन जैसे होती है ना एडवर्टीजमेंट, प्रिसाइज एडवर्टीजमेंट, दैट कैन वर्क विद रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम एल्गोरिथम्स इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें सबसे पहले है क्यू लर्निंग, फिर डीप क्यू नेटवर्क है, DQN बोला जाता है, फिर आपके पास सारसा है, फिर डबल क्यू लर्निंग है, मोंटे कार्लो मेथड्स है, एंड देन आपके पास पॉलिसी ग्रेडियंट्स हैं,
देन डीप डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी ग्रेडियंट है जिसको डीडीपीजी बोला जाता है, एंड देन सॉफ्ट एक्टर क्रिटिक है, एसएससी बोला जाता है, सैक्स भी बोला जाता है ना, एंड देन TD3 जिसको हम ट्विन डिलेड डीडीपीजी बोला जाता है. सो दीज आर फ्यू एल्गोरिथम्स व्हिच आर आउट देयर. अगर आपको ये एल्गोरिथम के नाम याद हो जाए एंड इफ यू वांट टू वर्क विद दैट, इट्स रियली अ बिग थिंग. उस मूवी का नाम था फ्री गाय, ये दाऊद भाई बता रहे हैं, फ्री गाय उसका नाम था, डेडपूल वाला एक्टर है बिल्कुल वही. सो इफ यू वांट टू वॉच दैट मूवी, बिलीव मी इट्स अ बिग थिंग. अच्छा, अब इसके बाद ये एल्गोरिथम से पहले आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल, जो अभी लॉन्च नहीं हुई चीज लेकिन उसकी एडवर्टीजमेंट हो चुकी है आज से तकरीबन एक माह पहले, एप्पल विजन प्रो. विजन प्रो जो ऑगमेंटेड रियलिटी के ग्लासेस हैं एप्पल के जो आने वाले हैं, वो सारे का सारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बेस पे $3,500 के, वो सारे का सारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बेस पे. अगर वो 12 लाख के वो तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं इस टाइम पे, अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे 12 लाख के, आज से अगर 3 साल पहले 4 साल पहले होते तो प्राइस अच्छी होती या उससे भी पहले अच्छी होती. बाय द वे ये जो चीज है ये इंटरेक्टिव कैसे चलेगी, आप फिंगर टिप्स की बेस पे सारा इंटरेक्ट कर रहे होंगे, यू डोंट इवन नीड टू यू नो यूज योर माउस और इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट. तो आपका सारे के सारे इंटरेक्शन आपकी जो फीचर्स है बेस की बेस पे होगा. रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर सबसे जो इस वक्त नायाब चीज चल रही है ना, दैट इज कंप्यूटर विजन इंटरेक्शन. मिसाल देता हूं, एप्पल के अंदर एक सिस्टम है, मैकबुक के अंदर आप माउस ना यूज करें, सिर्फ आपने आंखों से देखना है, माउस आपका उधर को मूव कर जाना है, इंटरेक्शन विद कंप्यूटर विजन. ठीक है, इसके अलावा काफी बिल्कुल मोबाइल्स के अंदर भी है. मैं एप्पल की इस वजह से बात करता हूँ, ऑब्वियसली तुम्हें पता तो लग गई, मैं शो नहीं मारता यकीन माने, आई यूज एप्पल ड्यू टू सम रीजंस और सिक्योरिटी की वजह से एंड मेनी अदर रीजंस, लेकिन ये सारी चीजें कंप्यूटर विजन की बेस पे आप चला सकते हैं. चलिए एक और एग्जांपल देता हूं, आपने कभी 360 कैमरा यूज किया? अगर नहीं किया तो 360 कैमरे के अंदर क्या होता है, पूरे का पूरा 360 एनवायरनमेंट आपका कवर हो रहा होता है. ठीक है, और फ्यूचर ऐसा आने वाला है कि आप रूम के अंदर सिर्फ 360 कैमरा लगाएंगे और अपने एक्शन से सारा कुछ चला सकते हैं, यू डोंट नीड टू वियर एनीथिंग एंड देयर आर मेनी पीपल वर्किंग ऑन दैट. सो जस्ट इमेजिन के 360 इमेजरी और 360 कंप्यूटर विजन का कितना बड़ा रोल है. अभी तो हम बेसिकली आप ये कह सकते हैं 2D कंप्यूटर विजन के ऊपर चल रहे हैं, जस्ट इमेजिन जब 3D आने लग जाएगा और खास तौर पे 360 की बेस पे, विच विल मैप द होल रूम, तब मजा आएगा. और वो चीजें जो हैं स्टार्ट हो रही हैं, लोग उस पे काम करें, वो एडवांस लेवल पे बेसिकली एल्गोरिथम उसके बन रहे हैं, यू नीड अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन पावर फॉर दैट वन एज वेल. सो ये कुछ एल्गोरिथम है, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके ऊपर आप चेक करें खुद को कि आपको कौन कौन से एल्गोरिथम्स इनके आते हैं एंड हाउ यू कैन वर्क ऑन दैट वन. बेसिकली बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, दो तो बहुत मशहूर जमाना है, क्यू लर्निंग और डीप क्यू नेटवर्क, DQN जिन्हें बोला जाता है, और इनको आप देख सकते हैं. And then we will be working on some of the algorithms later on. But for now, reinforcement learning को सीखने के लिए आपको कुछ चीजें बता देता हूँ. पहली चीज ये है कि आपका front end यानी कि user interactive environment होना जरूरी है, यानी कि website होगी, कुछ आपका data होना जरूरी है जिसके ऊपर recommendation आपने लेनी है या rewards लेने हैं. Second ये, अगर ऐसा नहीं है तो computer vision के through आप कर सकते हैं autonomous driving के base पे. Third one is, If you don't have anything, तो आप simply जो yes or no की base पे data को ले सकते हैं. Fourth one is, एक छोटी सी game हम बना सकेंगे जिसके अंदर एक bar होती है, वैसे move करेंगे, अगर वो गिरने लगेगी तो हम उसको level करेंगे, balancing a bar उसको बोलते हैं, तो वो उसकी base पे बना सकते हैं. And there are many small projects which you can do with that one. Recommendation system is one of the biggest examples of these days on reinforcement learning. और अगर आप रिकमेंडेशन सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ जाएं, देन यू कैन एक्चुअली गो एंड वर्क विद रीइंफोर्समेंट लर्निंग इजीली देन अदर पीपल. और यहाँ पे एंड मैं इस तरीके से करूँगा तो इस लेक्चर को, कि कीवर्ड एंड मेटा डेटा बड़ा मैटर करता है आपकी वीडियो को जो भी आप अपलोड करते हैं. और अगर आप कोडेनिक्स के चैनल के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं या आप कहीं पे भी देख रहे हैं, अगर आप इसको लाइक और शेयर करेंगे तो एल्गोरिथम आपको इसी तरीके से वीडियो दिखाएगा.
तो डेटा साइंस की दुनिया में आने का पहला तरीका ये, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी की भी वीडियो देखें, खासतौर पे अगर आप उसको लाइक कर रहे हैं, उसके पढ़ाने के स्टाइल को लाइक, आजकल एआई के कोर्सेज और भी चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि आपको रिकमेंडेशन सिस्टम है ये आपके लिए होता है। ऑब्वियसली मेरे लिए तो हो गई या बाकियों के लिए हो गई, बट आपके लिए ज्यादा मैटर करते हैं। और ये ब्लू कलर का निशान आना चाहिए, इसको कभी भी प्रेस ना करें, डिसलाइक को, नहीं पसंद तो इग्नोर करें सिंपली, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है वीडियो आपको नहीं सिर्फ शो होनी, बाकियों को भी नहीं होनी। सो रिकमेंडेशन सिस्टम ऐसा गंदा ट्रेन है, वुड से फॉर यूट्यूब, और अगर आप इन सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो इट वुड बी ग्रेट। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है हमारा, उसे मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, एंड होपफुली आपने आज री एनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में अच्छा खासा सीखा होगा, बिकॉज री एनफोर्समेंट लर्निंग कोई बला नहीं है, सिर्फ सोचने का तरीका डिफरेंट है इसके लिए।